बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रेस्टोरेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको खुश और हरम रखे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अब्दुल फहीम अली। रेस्टोरेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको ये बताना है कि जो डिग्री मुकम्मल करने का वक्त है विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में, वो मैक्सिमम कितना है। ऐसा ना हो कि कहीं आप पढ़ते पढ़ते ये समझें कि हम आराम आराम से लगे हुए हैं और आपका टाइम जो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है वो ख़त्म हो जाए और आपका ऐसी सूरत में फिनिश हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर देगी। तो लिहाजा जो टाइम है, जो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दी हुई है, आपने उसके अंदर रहते हुए ही अपनी डिग्री को मुकम्मल करना है, तब ही आपको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जितने भी विच यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के पास ADP के प्रोग्राम्स हैं, 2 ईयर्स, उसको बैचलर बोलें या ADP प्रोग्राम्स बोलें, वो मिनिमम जो ड्यूरेशन है उसकी वो 2 साल है। 4 सेमेस्टर के अंदर आपने मुकम्मल करना होता है और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है उसकी वो 4 साल है। 8 सेमेस्टर बनते हैं ये, मतलब 2 साल का जो प्रोग्राम है ADP का, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 साल के अंदर कर सकते हैं। अगर इससे भी ऊपर जाते हैं आप, तो फिर यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी और यूनिवर्सिटी आपको डिग्री नहीं देगी। इस तरह जितने भी BS के प्रोग्राम्स हैं, 4 ईयर्स बैचलर जो प्रोग्राम्स हैं, वो 4 साल होते हैं उसके मिनिमम, जो उसका टाइम ड्यूरेशन है 8 सेमेस्टर के अंदर आपने मुकम्मल करना होता है उसे। लेकिन अगर आप सप्ली लेते हैं और या आपका सेमेस्टर फ्रीज रहता है, तो जो मैक्सिमम टाइम है उसका वो 8 साल है। तो मतलब 4 साल की डिग्री आप 8 साल के अंदर मुकम्मल कर सकते हैं। और इसी तरह जो प्रोग्राम्स हैं इनके, MS के प्रोग्राम्स हैं और MPhil के प्रोग्राम हैं, वो होते हैं 2 साल के, वो भी आप 4 साल के अंदर मुकम्मल कर सकते हैं। और MA MSc के जो प्रोग्राम्स हैं, मास्टर के जो प्रोग्राम हैं, वो भी 2 साल के होते हैं और आप उनको 4 साल के अंदर मुकम्मल कर सकते हैं। PhD के जो प्रोग्राम हैं विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के पास, वो 3 साल के हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल के अंदर आप जो है वो उनको मुकम्मल कर सकते हैं। और ये एक चार्ट है जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया, इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है। और एक बात जो बहुत ही ज़्यादा आपने जो है ना जहन नशीन रखनी है, वो ये है कि टाइम फ्रीज जो है आपका, आपने कुछ सेमेस्टर फ्रीज किया है, वो 1 साल अगर आप फ्रीज रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है उस टाइम फ्रीज को भी मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन के अंदर ऐड करेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।